नमस्कार। आज भी अखबारों में, आज के अखबार में हर पिछले कुछ सालों की तरह से मैट्रिक के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है, इसकी खबर प्रमुखता से छपी है। और लगभग हर पेज पे गांव के, कस्बे के, कौन कहां से बच्चा टॉपर आया है, इसको लेकर के खबर है। और इसी को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि फ्रंट पेज पे खबर है, मैट्रिक 101 टॉपरों में 71 गांव और कस्बों के छात्र हैं। मतलब गांव और कस्बों के छात्र शहरी स्कूलों की तुलना में वो अब अव्वल आने लगे हैं। इसके साथ एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि पिछले कुछ सालों से लड़कियां लड़कों से बाजी मार रही है, मतलब उनसे ज़्यादा नंबर ला करके सुर्खियां बटोर रही है। और यह सिलसिला इस साल भी कायम रहा है। बिहार बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया है, जिसमें पूजा कुमारी 96.80 और शुभ दर्शनी 96.80, ये लड़कियां टॉपर है इस बार की। तीसरे नंबर पे संदीप कुमार है, उनका भी 96.83, मतलब टॉप थ्री के जो टॉपर है उसमें से तीन लोगों का नंबर, इसमें दो लड़कियां हैं। इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बेटियां कितनी ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में कितनी ऊंची उड़ान भर रही है, और ये आने वाले निश्चय ही एक उज्ज्वल भविष्य का सूचक है। हम लोग हथुआ में हैं, तो इसलिए हथुआ में जो सर्वाधिक नंबर पाने वालों में अभी तक जो हम लोग पास आंकड़े आए हुए हैं, हो सकता है किसी और के भी आंकड़े आ जाए बाद में, उसमें खुशी कुमारी हम लोग के साथ में है। खुशी हथुआ पंचायत के मनी छापर गाँव की है, और हम उनके ही आवास पे आज हैं, और उनसे हम लोग जानेंगे कि उन्होंने दसवीं के एग्ज़ाम में किस तरीके से तैयारी की कि इतने अच्छे नंबर से पास किया। इनका नंबर 90% है, और बिहार बोर्ड में 90% नंबर लाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत मेहनत का काम है। क्योंकि हमारे यहाँ जब दसवीं बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो चारों ओर नकल का बोलबाला रहता है। बच्चे किताब लेकर पढ़ते हैं, किसी छुपी नहीं, किताब लेकर के नोट करते हैं, नकल का चीट पर्चा लेकर के साथ जाते हैं, कोई पहुंचाता है, कई बार टीचर भी मदद करते हैं, ये जग जाहिर है, सबको मालूम है। उसमें भी कोई बच्ची बिना नकल किए सेल्फ स्टडी से, सेल्फ स्टडी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछला जो सत्र रहा है स्कूल पूरी तरीके से बंद रहा और स्कूल खुले नहीं, तो बच्ची ने घर में रह करके सेल्फ स्टडी किया, और उसका परिणाम आज हम सबके सामने है कि खुशी कुमारी ने 90% नंबर ला करके न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया, साथ ही इस गांव का भी नाम रोशन किया। इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनके पिताजी भी साथ में हैं और बिटिया भी साथ में है, तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जिससे कि दूसरे बच्चे भी ये प्रेरणा ले सके कि नकल के माहौल में सेल्फ स्टडी करके, है ना, किसी तरह के बहाना को न रोए कि भाई टीचर नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं, सबके लिए सब स्थितियाँ सामान्य है, यही स्थिति है, और इसी में बेहतर कर लिया इस बच्ची ने, तो प्रेरणा ले सके और वो भी कुछ करने के लिए दृढ़ता अपने मन के अंदर ला सके। तो हम लोग आज बात करेंगे खुशी कुमारी से। खुशी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इतना अच्छा नंबर लाया। आशीष भैया, सबसे पहले आपको जानकारी कहाँ से मिली कि रिजल्ट, किसने बताया? हमारे फादर ने। अच्छा, उन्होंने फोन करके बताया। तो आपको क्या उम्मीद थी? हमने मेहनत किया था तो हमें उम्मीद थी कि हम इतना मार्क्स ला सकते हैं। आपको तो पता था बिहार बोर्ड में बहुत कठिन है नंबर लाना, तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं होता। इनके पिताजी हैं मुन्ना जी दारा, तो आपको क्या उम्मीद थी कि बिटिया इतना नंबर ले आएगी? हमको विश्वास था, पूरा विश्वास था। तो जब नंबर रिजल्ट आपको किसने बताया? रिजल्ट का हम लोग भेजते। अच्छा, उन्होंने बताया, तो कैसा लगा आपको? लगा था कि नंबर एकदम सार्थक रहा? जी। अच्छा, ठीक है। तो खुशी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये रिजल्ट आया तो आपने जो है मन में, मतलब कैसा फील रहा? खुशी तो होती है निश्चित रूप से, लेकिन क्या कुछ कसक रह गई कि हमारा नंबर थोड़ा सा कम आ गया या उम्मीद से ज्यादा आ गया, मतलब क्या रहा उस? नहीं, जितना हमको चाहिए था उतना मार्क्स आया। कितना आप चाह रहे थे? 450 करीब चाहते थे, उतना आया है। कितना आया है? 448। कितना में से? 500 में से, मतलब 90% आपका नंबर आया हुआ है। और आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके नंबर कितने थे? उनके नंबर तो अभी किसको पता चला होगा? सिर्फ डिवीजन पता चला है, फर्स्ट और सेकंड आई है लोग। हाँ, कुछ बच्चे एजुकेशन अच्छा नहीं हो पाया जिसकी वजह से फेल भी हो गए। अच्छा, आप कौन से स्कूल से पढ़ाई की? प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल। प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल हथुआ से। तो वहाँ पे क्या दसवीं में नियमित क्लास की? नहीं, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था जिसके वजह से क्लास नहीं कर पाए थे। अच्छा, उसके पहले बाकी का जो? हाँ, 9th क्लास में क्लास रेगुलर जाते थे। अच्छा, तो ये आपने जो स्कूल में जाना नहीं हुआ तो पढ़ाई कैसे किया, उसको कैसे आपने, मतलब पढ़ाई को सिस्टमेटिक किया? जी,
हम अपना शेड्यूल बनाए थे और सेल्फ स्टडी करते थे, और जब लॉकडाउन खुला तो ट्यूशन से कुछ प्राप्त हुआ हमें। अच्छा, तो सेल्फ स्टडी और शेड्यूल बनाने का मतलब किसने आपको गाइडलाइन किया? ये हमारे टीचर प्रवेज हुसैन ने किया। अच्छा, उन्होंने गाइडलाइन किया कि सेल्फ स्टडी से पढ़ना। तो लगभग कितना घंटा पढ़ाई करते थे डेली? करीब 7 से 8 घंटा। अच्छा, एक बात बताइए, आमतौर पर देखा गया है कि घरों में जो बेटी रहती है तो वो घर के काम काज में माँ का हाथ बटाती है, तो आपने पढ़ाई के साथ साथ घर के काम काज में कितना इन्वॉल्वमेंट था आपका, कितना सपोर्ट मिला? हम थोड़ा बहुत काम करते थे, बिकॉज मम्मी हमें काम नहीं करने देती थी, बोलती थी तुम्हारा एग्जाम है तो तुम पढ़ाई करो, और घर के सभी लोग बोलते थे कि तुम पढ़ाई करो, काम मत करो। अच्छा, तो उतना हेल्प नहीं कर पाते थे हम। अच्छा, बाकी बाहर में मतलब खेलने मनोरंजन भी जरूरी है, तो उसको लेके क्या करती थी, कैसे मैनेज करती थी? हमको खेलना पसंद नहीं है, छोटे थे तो खेलते थे, अभी खेलना पसंद नहीं। अच्छा, अभी भी छोटे ही है। और मनोरंजन के लिए? मनोरंजन के लिए कभी कभी कॉमेडी देख लिया करते थे या कार्टून देख लिया करते थे। अच्छा, कार्टून और कॉमेडी देख करते। कितना देर देखते थे इसको? ज़्यादा देर नहीं देखते थे, वो भी टीवी में नहीं, फ़ोन में देखते थे, बिकॉज टीवी तो हमारे टीचर ने मना किया था देखने से, तो हम टीवी देखना छोड़ दिए। ठीक है, एक चीज़ और बताइए कि आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे आजकल मोबाइल जब हाथ में आ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, तो आपके हाथ में मोबाइल था, तो अपने आप को आपने कैसे नियंत्रित किया पढ़ाई को लेकर के? जब अगर पढ़ाई करना है, आगे अगर कुछ करना है, तो हमको तो ज़रूरी है कि स्टडी के लिए स्टडी का ही सामान देखना चाहिए। हाँ, ना कि यूट्यूब पे दूसरा कुछ देखना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स को लाभ लिया क्या आपने? हाँ, देखते थे वीडियो मैथ का वीडियो देखते। हाँ, तो जो डिजिटल से आपने जो चीज़ सपोर्ट लिया, मतलब पढ़ाई स्टडी मटेरियल लिया, वो कितना फायदेमंद रहा आपके पढ़ाई? वो भी फायदेमंद था, बिकॉज हम जैसे स्टडी करते थे सेल्फ स्टडी, तो उसमें से क्वेश्चन आंसर याद करते थे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, और हम अपने फोन में जैसे देखते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसका आंसर देने से पहले हमें आंसर मालूम रहता था। अच्छा अच्छा, तो हम अपना टेस्ट वैसे ले लिया करते थे खुद से। अच्छा, खुद का टेस्ट मतलब डिजिटल से और ऐसे फिजिकल पेपर से, मतलब बुक से। अच्छा, एक बात और बताइए हमें कि आमतौर पे हथुआ जहाँ पढ़ाई करते थे यहाँ माहौल नहीं है, आजू बाजू जिस गांव से हैं, इस गांव में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का माहौल नहीं है, बच्चे जो है थोड़ा बहुत पढ़ते हैं लेकिन उस तरह से माहौल नहीं है, उसका नकारात्मक असर आप पे क्या पड़ता था? अगर पड़ता था तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? हम दूसरों को देखते थे कि नहीं पढ़ता है लोग, बट हम ये कभी माइंड में नहीं लाए हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हमारे पापा हमसे अच्छा मार्क्स चाहते थे और उनका सपना था कि हम टॉप करें, तो हम उनका सपना पूरा किया है। ओके, ओके, और आगे भी करेंगे। अच्छा ठीक है, अब आगे आप क्या करना चाहती हैं? आईएएस ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं। आईएएस ऑफिसर तैयारी करना चाहते हैं, तो आईएएस क्यों बनना चाहते हैं आप? बिकॉज हम चाहते हैं कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं सबको मिटाने के लिए, और जनता से और डीएम जो होते हैं, कलेक्टर होते हैं, आपस में इस तरह से मिल करके रहें ताकि उन जनता को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो खुल के अपनी बात रख सकें, और पदाधिकारी को ऐसा होना चाहिए कि वो जैसे पैसा ले करके ना काम करे बल्कि ईमानदारी से काम करे, और एजुकेशन लेवल जो है दिन पर दिन गिरता जा रहा है, जैसे एग्जाम हॉल में बच्चे चीट कर रहे हैं टीचर के होने के बावजूद भी, तो ये हमें अच्छा नहीं लगा और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर जिस क्लास में था, मतलब जिस स्कूल में था, तो वहाँ पे जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो क्या सब नकल कर रहे थे? हाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट नकल ही कर रहे थे, बिकॉज किसी के गार्जियन टीचर को भेजे थे नकल कराने के लिए, और कोई लड़की चीट लेके आती थी लोग, तो कोई बोलता नहीं था, टीचर लोग भी। तो आपके मन में ऐसा नहीं था कि हम भी नकल कर ले कुछ? नहीं, जब हम स्टडी किए हम पे इतना बिलीव है खुद पे, तो चीट का कोई गुंजाइश नहीं होता। ठीक है, पढ़ाई के साथ मूल्यांकन कैसे किया आपने, मतलब कि खुद का कि हमारा टेस्ट या तैयारी ठीक है, कितने लेवल पे ठीक है, कितना रिवीजन किया, मतलब कैसे कोर्स को कंप्लीट किया? जब हमारा सब्जेक्ट सारा कंप्लीट हुआ तो हम ट्यूशन में डेली जाते थे, तो मेरा सर टेस्ट लिया करते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो जैसे वो बोलते थे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सुनेंगे, उसमें से देखते हैं आपका कितना सही होता है, तो बहुत बार 100 में 100 मार्क्स आए, और कुछ बार 96 ऐसे करके, मतलब 90+ ही आता था। अच्छा अच्छा, 90+ आता था उस समय से ही प्रिपरेशन था। तो 90+ आता था, और मतलब जो चार चीज़ें छूट जाते थे, जो गलत हो जाते थे, उसको लेकर के आप फिर प्रिपरेशन कैसे करते थे? उसको हम
टिक लगा लिया करते थे कि कौन सा क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है, तो उसको रिवीजन करते थे। ठीक है। अच्छा, अब आप दूसरे बच्चे जो मतलब आपके पीछे में है नाइन्थ के, जो दसवीं में अब जाएंगे, अब तो अब ग्यारहवीं में चले जाएंगे, तो उनके लिए क्या टिप्स देंगे ये टॉपर या मतलब? हम उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि वो मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें और चीट के भरोसे कभी ना रहें और दूसरे के भरोसे, क्योंकि अगर वो खुद पे बिलीव करते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और चीट के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए, चीट के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। हाँ। अच्छा दारा, आप बताइए कि आप अब आगे क्या चाहते हैं बिटिया से? आगे बेटी जो जहाँ पढ़े। अच्छा, पूरा मतलब सपोर्ट रहे। हाँ, तो ये आप लोगों ने बातचीत किया, कैसे इन्होंने टिप्स दिया कि आगे के बच्चे कैसे तैयारी करें, और बहुत जरूरी है कि डिजिटल मीडिया में अगर मोबाइल बच्चों को हाथ में दिए हैं तो उनको अनुशासन में रखें और बच्चे भी खुद अनुशासन में रहे और उसमें यूटिलिटी मतलब पढ़ाई के मटेरियल को ध्यान में रख करके पढ़ाई करें, इधर उधर के आलतू फालतू चीज़ें न देखें। और इन्होंने जो खुशी ने बताया सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि टाइम टेबल बना के पढ़ाई करना, शेड्यूल बना लेना किस तरीके से पढ़ाई करना और कंसिस्टेंसी बना के रखना। तो इनके बातचीत से ये लगा कंसिस्टेंसी बना के रेगुलर पढ़ाई की, नियमित पढ़ाई की, अनुशासन तरीके से इन्होंने टॉपर आ गया। तो हमारा तो ये कहना है कि भाई जो लोग भी अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे बच्चियों के साथ भेदभाव ना करें, लड़के के साथ भेदभाव ना करें, दोनों को पर्याप्त मौका दे, अवसर दे, ताकि वो लोग अपने प्रतिभा को उभार सके, क्योंकि बच्चियों में तो और भी ज़्यादा प्रतिभाएँ हैं और उनको अभी तक हमारे समाज में, रूढ़िवादी समाज में ट्रेंड रहा है कि उसको मौका नहीं देते थे। ये पिछले एक दशक से इतना मौका मिला हुआ है कि बच्चियों ने अपना प्रदर्शन शानदार कर दिया है और उन्होंने साबित किया है मेहनत के दम पर कि वे जो है किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप लोग भी बिल्कुल कहीं किसी भेदभाव ना करें, बच्चियों को पढ़ने का भरपूर अवसर दें, वो ऊंची उड़ान उड़ेंगी और अच्छा करेंगी समाज सोसाइटी के लिए। उनके हाथ में जब प्रशासनिक कमान रहेगा तो बहुत आगे तक जाएंगे और समाज में सुधार के लिए बहुत ही सार्थक कदम उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।